Wow, Xiaomi. और साथ हमारे दिल वाले नान भी हैं, फॉल्स कुलचे, इसके साथ दिल वाले नान बहुत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। सो हमारे साथ है वरीशा एंड गुड़िया, ठीक है। लाइबा भी है वो रूम में, लेकिन मैं अपनी सिस्टर की घर आई हूँ। जिस तरह से हमारा पहला व्लॉग भी इधर ही था ना, हमने बिरयानी बनाई थी, चाय बनाई थी। हाँ, चाय बनाई थी। सो आज के व्लॉग में हम लोग बनाने लगे हैं कोरमा। कोरमा सो शेफ कौन है पहले ये बताएं। शेफ वरीशा है एज यूजुअल। मैंने मिर्ची पकड़ाई हैं, मैंने मिर्चियाँ काटी हैं, तो इससे कुछ भी नहीं किया। ये बीमार थी, ये हॉस्पिटल गई हुई थी, ये हॉस्पिटल जाके आई है। और हमारे साथ पैरी भी हैं। पैरी हाय कर दें। हाय गाइस, मेरा हाल हवाल पूछ ले। गाइस मेरी भी तबीयत खराब है। सारे अपने इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, अपने हाल हवाल पूछ। हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो जो हमने सोची है, तो हम लोगों ने साथ साथ चीजें वगैरह भी रखी हैं। That I will show you. So let's ready. बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी सिंपल सी, सिंपली ही आप कोरमा बना सकते हैं, वो भी ऐसे घर के मसालों से। घर के मसाले तो घर के मसाले ही होते हैं। ओके, नहीं बाहर से भी लोग लाते हैं ना। हाँ, बाहर से ना बनाए बेहतर है। आप यहाँ का कोरमा जो हम बनाने लगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सो यू गैस विल एंजॉय। गाइस ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने टमाटर रख दिया है और चिली भी, चार टमाटर हैं, तीन चार हरी मिर्ची हैं, दो प्याज हैं, एक लहसुन का बड़ा वो है और अदरक है छोटे छोटे दो। और साथ में हमारे चिकन वगैरह जो है पहले ही धो के दिया था। वॉश गुड़िया तुम तो चुप्पी हो जाओ। मैं कह रही हूँ इधर खड़ा। ये सब कुछ है, मैंने काफी लेट व्लॉग बनाया है क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना कोई खास आजकल टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं करने को। सो लेट्स ट्राई, उधर से शोर आ रहा है, चूल्हा लगा दिया है, थोड़ा सा इग्नोर। हाँ चूल्हा लगा दिया, ऑन कर दिया। सो गाने शाने गा रही है वरीशा, बस कर दो तुम काम कर लो पहले, फिर बाद में गाने गा लेना। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। साथ साथ वरीशा ने कानों में टूटियां डाली हुई है और मैंने डाली हुई है, गाने सुन अच्छा, रही है। और साथ ये है पाकिस्तानियों के देसी काम, ये है टैंक का डब्बा जिसमें हमने डाला हुआ है ऑयल। तो अब मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल, ये कम होगा तो 1 चम्मच में ऑयल और डाल दूंगी, फिर जो बाद में हम लोग यूज कर लेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले मे बी हम चिकन फ्राई करेंगे वरीशा, राइट? नहीं क्या, पहले हम लोग फ्राई करेंगे प्याज। हाँ एक्चुअली मुझे खाने पकाने नहीं आते, सो पहले मैंने प्याज डाला है। एक नया तरीका है, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी ये। ओके प्याज ब्राउन होने, ब्राउन डार्क ब्राउन करें इस प्याज को, बहुत लाइट ब्राउन नहीं करते। ओके जितने डार्क करेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। गाइस 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 गाइस, जिस दिन मैंने कुकिंग की ना, उस दिन मेरा पहला ब्लॉग होगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह। मैं खुद बनाऊंगी खुद, अगर मैं खड़ा हुआ तो थोड़ा सा एक्सक्यूज करना। ओके ना गाइस, अच्छा अच्छा चलो पता निकला। आप क्या करने लगी वरीशा? अभी मैं अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ बिकॉज हमने इसको भी फ्राई करना है। ओके क्योंकि फ्राई करने के बाद जिसका जितना भी मटेरियल होगा वो ऑयल में वो हो जाएगा अब्जॉर्ब, और फिर हम इसको ग्राइंड आसानी से कर सकेंगे। कोरमा है ना तो खड़ा खड़ा मसाला अच्छा नहीं लगता। ठीक है मैम। यस शेफ, प्याज हमारे साथ हड्डी भी देखते रहे ना, प्याज आपके पीछे से जले हुए और गप्पे मार रहे हैं वहाँ। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं। प्याज हो चुका है डार्क ब्राउन, गिरी जग दी मुझे खा सकते। ओके यही वाला जगह ना। हाँ जी हाँ, इसमें हम प्याज डाल देंगे। बस कुछ भी कर लो, मेरे हाथ पे ना मार देना। नहीं लगेगा, फूंक के मारो, डले खुद मारो। सो गाइज हम लोगों ने ये डाल दिया है इसके अंदर, और अब नेक्स्ट क्या करोगे वरीशा? लहसुन अदरक को बगैर फ्लेम के जो गरम ऑयल है उसमें सिर्फ हम लोगों ने लहसुन डालना है, अदरक को डालना है। लहसुन अदरक भी फ्राई मारो क्योंकि जब हम लोग भूनते हैं ना तो फिर वो मतलब ऑयल में तो टेस्ट चला जाता है, तो भूनने में आसानी होती है, उसको मसला नहीं होता। वाइट वाइट ही रहे इसको हल्का सा तड़का देना है और ग्रेटर में डाल देना है।
बिल्कुल हल्का सा। नाइस 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 नाइस। दोबारा ध्यान से फिर फेंकोगे। फिर बारी है चिकन की। ये चिकन इस गरम ऑयल में उंगली डाल के चेक करना गरम ही तेल डाल दिए चिकन। ठीक है, अब चिकन की पानी है उसको अच्छा जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक ऐसी मखलूकी है जो कि कच्चा चिकन खा सकती है, लिवर भी। और हमने डालने हैं जो आपने सारे में जितना नमक डालना है आप उतना नमक डालें चिकन के अंदर ही, ताकि चिकन के अंदर तक टेस्ट जाए। मैंने तो वैसे 3 चम्मच हम लोग डालते हैं, आपका अपना स्पून का हिसाब होता है। जीरा 1 चम्मच और इसको भून लेना आपने, मतलब मिक्स कर लेना इसका पानी जब तक खुश्क नहीं होता। पौधों के बच्चों वहाँ धुआई बनाने लगे हैं मसाले का मटेरियल ग्रेवी का, जो कि हमने अदरक टमाटर हमने कट करके रखे थे वो डालने हैं, और इसमें हरी मिर्चें भी डाल देनी है। ठीक है, टमाटर का पानी थोड़ा सा पानी फेंक रहे हैं, पानी लाए, थोड़ा सा पानी डालना है और ग्राइंड करने के आधी जायदाद आपकी। मैं 10 रुपए लाना सिर्फ मैंने दो के। मुझे जायदाद चाहिए। और इसके अंदर ही मसाले डालने के साथ पक जाएंगे। मैंने हल्दी थोड़ा ज़्यादा हम इस्तेमाल करते, कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच डाल दें, मैंने आधा ही डाला। ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालती, थोड़े डालती हूँ। गर्म मसाले में सब कुछ होता है, कुटा हुआ सब कुछ। ठीक है, मैंने 1.5 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, आपका जैसा टेस्ट है, आप जितना घर में स्पाइसी खाते हो उस हिसाब से। लाल मिर्ची है जो कि हम 2.5 चम्मच डालेंगे, ये 2 और ये 1/2 स्पून। ठीक है, और थोड़ा सा ओके तुमने 1 से 1/2 स्पून क्या जो गाइस साथ साथ हम चिकन को भी देखते रहेंगे। क्या कहते हैं इसको, अजवाइन। हाँ, अजवाइन होती है। खाना पकाते तो मैं भूली गई हूँ। तो गर्म मसाले में अजवाइन होती है, पर खुशबू के लिए मैं मसाले में भी वैसे ही डाल देती हूँ। ठीक है, हमारे मसाले हो गए हैं कंप्लीट। इसके ज़्यादा इसके अलावा हम और मसाले नहीं डालेंगे, हम डालेंगे। इट इज़ वेरी इजी कि आप जब ग्राइंडर में जो ग्राइंड कर रहे हो सारी चीज़ें, सारे मसाले भी उसी के अंदर डाल दो। ईजी ईजी पीजी उसको मिक्स कर लें। इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं ना। गाइस शी इज वेरी सुगर, हमारा मुकाबला ही नहीं है कोई इसके साथ। मेरी पिज्जा से रख दे कान, ऐसे पिज्जा सॉस लग रहा है मुझे, खाना सॉस लग रहा है। एक ढक्कन सिरका फॉर टेस्ट इन चिकन, चिकन के अंदर टेस्ट जाता है चिकन सिरके का। और ये है सोया सॉस जो कि हम बिल्कुल 1 ढक्कन के बराबर डालेंगे, ये इतना का, इससे चिकन के अंदर टेस्ट जाएगा। थोड़ा सा और डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपका जो हिसाब है उस हिसाब से डाल लेना। ठीक है, ऋषा हमने ग्रीन चिली हाँ इस्तेमाल किया, ग्रीन चिली हमने बीच में ग्राइंड कर दी, उसका भी फ्लेवर आएगा बीच में। ओके, लेमन भी डालें मज़ा आएगा। लेमन ही डाल दें, बहुत खट्टा हो जाता है ये, जस्ट चिकन के अंदर फ्लेवर जाएगा। चिकन को भूनने के लिए मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब हम मुझे ना खुशबू आ रही है चिकन की फ्राई होने की, वो होती है ना एक वो स्मेल होती है चिकन की, वो नहीं आ रही। तो मैं अब इसके अंदर अपनी पेस्ट डाल दूंगी, दोनों हाथों में डालते हैं। ये इसके साथ जो लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल लें और दोबारा डाल दें इसमें पानी जो है हमने जग में बचा था जो टमाटरों का पेस्ट, उसमें पानी डाल के हमने डाल दें ताकि सारे मसाले पूरे रहे। और इस पानी को जो चिकन का भी पानी तो वैसे खुश्क हो गया, जो पेस्ट का पानी है ना
वो खुश्क हो जाएगा। अब इसको हम दे देंगे ढक दिए, अब इसका पानी खुश्क होगा 5 मिनट तक, तो हम दोबारा आएंगे। ओके हल्का मस्त लग रहा कि लग गया है, पर कोई नहीं, यू कैन फिक्स इट। कितना प्यारा लग रहा है इसका। नाइस, अब इसको बोलेंगे तेज आंच पे करके, उसके बाद गाइस हम दही लेके आएंगे। कितने किलो देंगे? आधा किलो देंगे बस। हैं मलाई के बगैर 2 से 4 मतलब जितना आपके हिसाब से आप रखते थे। ठीक है, मेरे लिए इतना ही ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। बैठ जा रहा है, थोड़ा सा जो मिला देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के लाए, गाइस ये आ गया है ऑयल ऊपर सालन के। ठीक है, और अब हमने इसमें डालना है पानी और इसको हम लोगों ने लगा देना है दम पे। जब आपके सालन की ऐसी शक्ल हो जाए तब भूनने के बाद तब आप उसमें पानी डाल के उसको दम पे लगा सकते हैं। तो मैं उसमें पानी डालने लगी, उसको दम पे लगाऊंगी। और दीदी बर्तन धो रही हैं यार, कभी कभी। गाइस आपको मेरी सेहत से नहीं लग रहा, मैं कितनी बीमार हूँ, आप लोग मेरा कुछ मेरे लिए दुआ करें, मेरे कुछ अच्छा ठीक है। अब आपको खाना बन जाएगा, डिश आउट हो जाएगा, आपको तब दिखाएंगे। गाइस ये हरी मिर्ची तो कट हो चुकी है, कट कर दी थी मैंने, जैसे सालन हो रहा था, सालन को मैंने दम लगाया था, उसके बाद चूल्हा बंद करके ढक्कन रख लेने। ठीक है, ढक्कन रख देने जिससे आपकी आ जाएगी खूबसूरत सी तरी, जिसको कहते हैं ऑयल ऊपर आ जाएगा। और देखें कितना मज़े का लग रहा है, वो बहुत मज़े की आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये जी उतार दिया हमने कोरमा, नीचे चूल्हे से नीचे उतार दिया है कोरमा। और अब हम हमारे साथ एक और नए शेफ आए हैं, ठीक है, निकाल चेक करने कि हम लोगों ने ठीक किया कि नहीं। ओके ओके, और ये देखिए हमारे साथ रहीम भाई हैं जो कि चेक करने आए, क्योंकि ये मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ मास्टर शेफ गुड़िया के लिए नुक्स निकाल ले आए। अच्छा तो शेफ ये कितने देर रहेगा? आप बोल अभी 10 मिनट 5 मिनट और ये तरी निकालेगा। ठीक है, ओके चूल्हा बंद कर दिया है इसका। ये सालन जो है डन हो चुका है, लोग सब तरी ऑयल जो ऊपर आया उसको हम तरी कहते हैं। ठीक है, साथ खुल चुका साइड पे गए। वाओ शमी, अब ये हम बीच में डाल देंगे और साथ हमारे तिल वाले नान भी हैं, कॉल्स कुलचे। इसके साथ तिल वाले नान बहुत मज़ेदार, कुलचे 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 मैंने तो पहली बार सुना कुलचे, बहुत मज़े की लगेंगे यार, खुशबू भी आया है। खाना तो चौकस बना गया है बाबा जी। मास्टर ये क्या हो रहा है? पिंडी वाले हैं ना हम लोग, पिंडी वाले, तो इसलिए चौकस। और ये हानी को देख सकते हैं आप, हानी हानी हानी